डाल दे पूरा साइड में। क्या सब्जी है दोस्तों? वेलकम टू निपुण लाइफ स्टाइल। तो आज है हॉस्टल का तीसरा दिन मेरा और अभी मैं जा रहा हूँ जल्दी से नहाने, क्योंकि मैं ब्रश कर लिया हूँ और नहाया नहीं हूँ, तो अभी जल्दी से नहा लेता हूँ। तो मैं हो जाऊँ नहा के तैयार और अब नाश्ता करने मैं जोरा जाऊँगा। जोरा में मैं देखता हूँ तो खाने का पोहा वोहा खाएंगे अपन, तो चलते हैं। तो ये है सत्तू और विनायक भाई बना रहे हैं यहाँ पे सत्तू। क्या है इसमें, क्या क्या है? चने का सत्तू है भाई। चने का? हाँ, बस पानी मिला, जीरा बूंद की वजह से डाला वो मस्त। मतलब ये नमकीन वाला है ना? नमकीन वाला है। देख सकते हो अभी हमारा सुबह का नाश्ता नहीं बोल सकते, लेकिन हल्का फुल्का पेट में जाने के लिए तो जरूरी है कुछ ना कुछ। उसके बाद नाश्ता करने भी चलेंगे। तो अपन जा रहे हैं अब नाश्ता करने, हॉस्टल के बाहर निकलते हैं। मेरा गाड़ी कहाँ पे है? मैं और विनायक जा रहे हैं नाश्ता करने जोरा में। आपको दिखाता हूँ अब क्या नाश्ता करते हैं। अब तो अपन जा रहे हैं अब आंटी के पास पराठे खाने। आंटी पराठा दो। तो हम आए हैं आंटी जी के पास यहाँ पे पराठा खाने। यहाँ का पराठा बहुत अच्छा है, आप भी ट्राई करना। और यहाँ पे अंकल जी काट रहे हैं यहाँ पे प्याज। अब अंदर किचन में देखते हैं, यहाँ आलू का पराठा बना रही है आंटी। तो यहाँ पे आलू का पराठा बनेंगे। ये जस्ट रोडी के ऊपर है आंटी जी का जहाँ पराठा बनता है, यहाँ खाना भी है। 50 रुपये प्लेट यहाँ खाना भी मिलता है। अपन कल आप वीडियो में देख के ही हो रहे, जो मैं खाना खाया वो यहीं का था और पराठे भी आज यहीं आया हूँ। पराठा बन रहा है। यहाँ पे ऑमलेट भी बन रहा है, यहाँ ऑमलेट भी बनते हैं। अंकल जी बना रहे हैं यहाँ पे ऑमलेट। यहाँ शुद्ध खाना मिलता है। जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यूजी पीजी जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ सब आते हैं। तो अभी जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ जरूर आए, यहाँ बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलता है। यहाँ पे ऑमलेट बन रही है, बहुत ही टेस्टी ऑमलेट दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप। इसमें प्याज है, मिर्ची है। अपना पराठा भी मिल जाए। आज तो अपन पराठा खा रहे हैं, अब कल आएंगे तो ऑमलेट भी खाएंगे। कल जी ले आए हैं पराठे हमारा, ये देख सकते हो आप पराठे, प्याज और ये चटनी। लिस्ट खा के बताता हूँ कैसा लगा पराठा। वैसे तो मैं आते ही रहता हूँ पराठा खाने, तो आपको बताता हूँ खा के। दोस्तों हम आंटी पास से पराठा खा के आ रहे हैं। एक पराठा 20 रुपये का है, तो टेस्ट तो अच्छा था, प्राइस के हिसाब से तो अच्छा है। तो आप भी आ सकते हो, जो है रोड में जोरई में है, रोड ऊपर, तो सीधा आ सकते हो ऊपर में आंटी जी का पराठा, तो यहाँ से आ सकते हो आप। तो अपन चलते हैं वापस हॉस्टल, पहुँच गए हैं अब अपन रूम्स में, चलते हैं। 10:30 बजे है ना दोस्तों? मैं कॉलेज से आने के बाद थोड़ा सा सो गया था, सो के भी उठा। अब बाहर जाके देखता हूँ चार चल रहा है, रूम से बाहर जाता हूँ। सन्नाटा है यार अभी तो। हम हॉस्टल में खेल रहे हैं क्रिकेट,
अपने हॉस्टल में तो मैं बंद है तो दूसरे के हॉस्टल जा रहे हैं, मतलब शिवम हॉस्टल जा रहे हैं जूनियर लोग के हॉस्टल, तो वहाँ खाएंगे अपन डिनर, क्या है आज देखते हैं। मैं इसमें खाना कैसे होता है वो बताऊंगा। तो अपन आ रहे हैं शिवम हॉस्टल में, अब यहाँ मैच में देखते हैं। गुड इवनिंग, खाली देते हैं। अरे साहू को नहीं दिया क्या? पहले पैसा, पहले पैसा, पैसा पहले ये है प्लीज। हम दाल क्या सब्जी है? भाटे की, भाटा आलू है। जटिन दाल, अच्छा दाल डालते भी ले लेते। आपको आज बताता हूँ खाना कैसा है, मैं का खाना। डाल दे पूरा साइड में। क्या सब्जी है, कैसा खाना? हे गाइस, आप सोच रहे होंगे कि निपुण की जगह मैं कैसे आ गया। वैसे सबने आप निपुण ने तो अपना इंट्रो तो कराया ही मेरे से, तो वैसे हम लोग अभी खाना खाने आए थे। ओ देखो वो है निपुण। ए निपुण, इधर आ भाई। हाँ ये निपुण भाई भी आ गया हमारा। वैसे अभी हम लोग खाना खाने गए हुए थे, 50 रुपये पर प्लेट है, पर इतना सफिशिएंट खाना है कि हम लोग साथ में मिलकर आराम से खा सकते हैं। निपुण और मैंने साथ में शेयर किया, खा लिया अपन। और फिलहाल तो खाना भी ठीक था। और जब तक अभी ऐसा बोल रहे हैं सीनियर कि जब तक होली तक मेस चालू नहीं हो जाता हॉस्टल का, तब तक ऐसे ही खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा, ठीक है भाई, बैचलर लोग हैं। क्यों भाई? हाँ चल जा रहे भाई, अपने कुछ भी खा लेंगे। इंजीनियर लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं। तो फिर अभी वापस जा रहे हैं हम लोग हॉस्टल, देखते हैं। देखते हैं अब। तो फिलहाल जिसका काम उसी को साजे। तो निपुण कैमरा संभाल रहे, मैं चला भाई। ले भाई, अभी अपन गए थे खाना खाने सत्यम से शिवम हॉस्टल, और तो अपने फ्रेंड लोग के साथ गया था मैं सत्यम से शिवम हॉस्टल। तो वहाँ अपन खाना खा लिए, खाना 50 रुपये प्लेट है वहाँ, तो अपन 50 रुपये प्लेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा खाना नहीं था, मतलब आप जितना रोटी खा ले सकते उतना खा सकते हो, पेट भर के खा सकते हो, लेकिन टेस्ट उतना खास नहीं था वहाँ का। सब्जी भी मैं बोलूँगा ठीक था, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अब खाना मिल रहा है उतना ही बड़ी बात है हम लोग के लिए, तो क्योंकि यहाँ का मेस बंद है और बाहर भी यहाँ कुछ अच्छा मिलता नहीं है खाने खाने को, तो फिर जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए, इसलिए हम मेस का खाना खा लिए। तो आप भी अगर हॉस्टल में रहते हो कहीं के हॉस्टल में, तो आपको मेस का खाना कैसे लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन यस से दबा देना। तो जय हिंद दोस्तों।